जो विषय का मुख्य गीत था बहुत अच्छा आया है आपकी ओर से। चांदी जैसा रूप है तेरा, चांदी जैसा रूप है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल, बाकी सब की सभी कंगा। अब आप कह रहे हैं कि बार बार मुझे दो देख देख क्यों फरसा रहे निकाल। अरे बाबा निकाल नहीं रहे, फरसा तो तुम पहले ही से, वो तो हाथ में है ही है, वो निकाल थोड़ी रहे हैं बार बार ना, वो तुम्हारी समझ में अंतर है। अभी तुमने फरसे का काम नहीं देखा है इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। लक्ष्मण जी चिंता ना करो आप। अब परशुराम जी कह रहे हैं कि बार बार क्यों क्रोध दिलाता, एक तो वैसे ही क्रोधी बाबा हैं, तो बार बार क्यों क्रोध दिलाता, रह कटु बचन उचार, अरे रह कटु बचन उचार, लगता है देखा नहीं तुमने मेरा परसु प्रहार, लगता है देखा नहीं तुमने मेरा परसु प्रहार, ऐसा लगता है कि सुंदर गोरा तन है, लेकिन तुम गौर वर्ण जरूर हो, लेकिन सुंदर गोरा तन है लेकिन कितनी कुटिलता धारी। सुंदर गोरा तन आपका जरूर है बेटा, लेकिन अंदर कितनी कालिक है ये मैं समझ रहा हूं। सुंदर गोरा तन है लेकिन कितनी कुटिलता धारी, और करता कितनी बात व्यर्थ की, अरे करता कितनी बात व्यर्थ की, सभा देखती सारी, ये सभा देखती सारी, और जैसे सोने के घट भीतर, जैसे सोने के घट भीतर जहर भरा हो भारी। ये हाल है तुम्हारा। अब परशुराम जी फिर भी अभी चरम सीमा पे गुस्सा नहीं आया, नहीं तो एक मिनट के लिए हो तो अभी तो धार लगा रहे हैं। जैसे सोने के घट भीतर जहर भरा हो भारी, अगर बचाना जान हो अपनी, सुन मेरी बात, के अगर बचाना जान हो अपनी मत करना तकरार, मत करना तकरार, लगता है देखा नहीं तुमने अरे मेरा परसु प्रहार, लगता है देखा नहीं तुमने मेरा परसु, मेरा परसु प्रहार।
एक बात है, वो जो तुम्हारा बड़ा भाई बैठा है ना, वो बहुत चुप है, वो तौलिया ओढ़े चश्मा लगाए कुछ बोलता नहीं है, इतना नम्र है स्वभाव तो मैंने देखा नहीं। सांवला है लेकिन उसका मन बहुत उज्जवल है। तू गोरा है लेकिन तेरा मन बड़ा काला है। तो कहा राम तुम्हारी बात नम्रता की मेरे मन भाई, तुम्हारा बड़ा भाई नम्र है और मैं उसी से कह रहा हूं राम से। ये पंडित श्री राम कुमार उर्फ राम रतन सुलेरे गंज गर्रौली कृष्ण मेडिकल लेखक गायक विषय को पकड़े हुए हैं, बहुत आनंद आ रहा है। ये आप लोगों का स्नेह है और बागेश्वर धाम की कृपा है, वरना मैंने पहले कह दिया था कि हम कुछ नहीं हैं। आप हैं तो हम हैं, तुम हो हम हैं। 101 पत्र मुद्राएं भेंट हो रही हैं। प्रणाम करता हूं आदरणीय सुलेरे जी को। अब परशुराम ने राम से कहा, जो चुप बैठे हैं, कहा राम राम तुम्हारी बात नम्रता की मेरे मन भाई, मगर अनुज को तुमने क्यों ना ऐसी सीख सिखाई। नहीं सम्मान बड़ों का सीखा धारी इसने ढिठाई, इसने बड़ों का सम्मान करना नहीं सीखा, इसलिए हे राम तुम इसके बड़े भाई हो और इसको समझाओ कि बड़ों का सम्मान करना सीखो। कहा कि नहीं सम्मान बड़ों का सीखा धारी इसने ढिठाई, तुम मैं क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं क्षत्रिय कुल द्रोही बहादी, मैं क्षत्रिय कुल द्रोही बहादी, धरा पे अरे धरा पे रक्त की धार, धरा पे रक्त की धार, लगता है देखा नहीं इसने मेरे परशु प्रहार, लगता है देखा नहीं इसने मेरा परशु प्रहार। लगता है देखा नहीं इसने मेरा परशु प्रहार। ये कुछ आशीर्वाद हैं हमारे आदरणीय सम्माननीय गुप्तदान दे रहे हैं। 101 पत्र मुद्राएं गुप्तदान महाकल्याण प्रणाम करता हूं। और ये पुनः ढोलक मास्टर को बागेश्वर धाम शिष्य मंडल नौगांव श्री दीपू शर्मा 500। क्या बात है यार, बोली बढ़ती चली जा रही है, घट नहीं रही है। लो बेटा मौज करो, अब तो तुम्हारा ब्याह हो ही जाने, चिंता ना करो, इतने बड़े आदमी हो गए अब तुम। और महाराज को आशीर्वाद है, उसमें अब कोई शक नहीं है सुरेश, अब तुम घर बनवाओ, प्रधानमंत्री आवास को लोन निकलवाओ, पैसा निकलवाओ, हम बराते चले। ये हमारे बागेश्वर धाम शिष्य मंडल नौगांव श्री दीपू शर्मा 500 ढोलक वादक को, श्री सुरेश खरे सारंग को और अन्नपूर्णा प्रभारी श्री तिवारी जी की ओर से 100 रुपए उन्हीं के लिए है। चलो
कोई बात नहीं, तुम लोग बटुआ लइयो आधो आधो। चलिए अब मुझे क्या सुनाना है, एक गीत मैं अपनी ओर से गा रहा हूं, उसके बाद भजन गाऊंगा, उसके बाद भजन गाऊंगा, और चूंकि महाराज की भी इच्छा है, माताएं बहनें हैं, और फिर भजन तो सबके लिए है, मतलब सबकी पसंद का है, लेकिन एक गीत मैं दे रहा हूं और निश्चित रूप से आप सभी लोगों को पसंद आएगा। भाई विषय का गा दिया है, अब विषय आगे बढ़ेगा तब फिर यहां से गाया जाएगा, तो एक गीत सिर्फ एक गीत, सवेरे का वक्त है, एक गीत मेरी ओर से, और थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए इसका, इस गाने में वॉल्यूम की जरूरत है। सबका वॉल्यूम बढ़ा दो। चलिए आप लोगों की भावनाओं को मैं समझ रहा हूं, एक छोटा सा कटपीस गा रहा हूं, एक छोटा सा गीत नहीं गा रहा हूं, कटपीस गा रहा हूं, सुनिएगा। हेलो हेलो, ये बात Hello. ये रही बात, आपका भी कोई जवाब नहीं है, विषयबद्ध में आज आप भी शामिल हो गए हैं, बहुत बढ़िया साउंड, बेहतरीन। कहते हैं हेलो, राम नाम की औषधि, राम नाम की औषधि खरी नियति से खाए तो कोई रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा, और करना सिर्फ वही है, भगवत चिंतन करना आवश्यक है। एक गीत बजा, बहुत बढ़िया गीत बजा, अरे कोई किसी को चाहे, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, कोई किसी को चाहे तो क्यों गुनाह समझते हैं लोग, कोई किसी के खातिर तड़फे तो क्यों जलते हैं लोग, ये दुनिया आंसू बहाए, ये दुनिया आंसू बहाए, ये दुनिया कांटे बिछाए, इसके मगर कब माने, पत्ता 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 बूटा बूटा, हा
हाल हमारा जाने पत्ता पत्ता जाने न जाने गुल भी न जाने जाने न जाने ये गुल भी न जाने ये बाग तो सारा जाने पत्ता 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 बूटा बूटा अरे हाल हमारा जाने पत्ता पत्ता पवित्र धाम बागेश्वर धाम है। एक संदेश केवल दो तीन पंक्तियों में, सवेरे का वक्त है इसलिए कह रहा हूं। आते लोग जाते हैं, घर जाने के बाद फिर उसी माया के चक्कर में बिथ जाते हैं। लेकिन मेरा सोच यह है, अगर कहीं गलत गाऊं तो मुझे क्षमा करें। हालांकि प्रयास यह है, क्या है मनुष्य का जीवन संघर्षमयी है। लेकिन कहना यह है इस पवित्र धाम के मंच से, माया मैं मन को माया संसार की माया में अरे माया मैं मन को झूलों में सुख के झुलाते रहे माया हाँ माया मैं मन को झूलों में सुख के झुलाते रहे लौकिक सुखों को ही सच मान कर लौकिक सुखों को ही सच मान कर वो सत्ता अलौकिक भुलाते रहे और यही किया सारी जिंदगी और फिर भी आदमी भगवान को दोष देता भगवान हमको बड़ा कष्ट है हमारे कष्टों का हरण कीजिए अरे तुम्हारे कर्म ही ऐसे हो रहे हैं तो भगवान क्या करेंगे भगवान तो एक ऐसे कंप्यूटर है कि सब कुछ फीट होता रहता है तुम्हारे कर्मों के अनुसार आपको फल मिलता है अब जीवन वृथा गमाया ये जीवन वृथा गमाया जल जल हुई जब ये काया उस समय जरूर प्रयास करता है आदमी जब ये काया बिल्कुल जर्जर अवस्था में हो जाती है वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाती है तब कहने प्रयास करने के बावजूद भी वो चीज नहीं कर पाता है अगर किसी वृद्ध से बूढ़े बाबा से कहो बब्बा राम राम तो याद करिए अभी जब उस अवस्था में लोग पहुंच जाते हैं तब बब्बा राम राम नहीं करता बब्बा कहता भैया आम आम राम राम नहीं कहता आम आम कहता यानी जवान काम नहीं करती तो कहना यह है जीवन व्यर्था गमाया हुई जब ये काया कोई जलज बात माने बुढ़ों के पास कोई बैठने की हिम्मत भी नहीं करता अरे क्या यार बुढ़े के पास बैठना लेकिन बुढ़ा चाहता कि इसी अवस्था में मेरे पास कोई बैठे बातें करें अच्छी बातें करें लेकिन कोई नहीं करता इसलिए मैं कहना चाहता हूं जीवन वृथा गमाया जल जल हुई जब ये काया हर कोई जलज बात माने ना तो हफ्ता हफ्ता बीता एक एक पल बीत रहा हफ्तों में कभी महीनों में कभी सालों में तो हफ्ता हफ्ता बीता साल गए हरी जाने ना
हफ्ता हफ्ता बीता बीता अरे साल गए हरी जाने ना गुजरे महीने तो मन है मलीने। अब सोचता है आदमी कि यार हम ऐसा नहीं कर पाए जो हमें करना चाहिए था, और जो नहीं करना चाहिए था वो पूरी जिंदगी कर दिया हमने, उसी का परिणाम हमको अब बुढ़ापे में मिल रहा है। तो गुजरे महीने मन है मलीने, गुजरे महीने मन है मलीने, ईश्वर को पहचाने ना हफ्ता हफ्ता बीता बीता अरे साल गए हरी जाने ना हफ्ता हफ्ता बीता बीता हफ्ता हफ्ता बीता बीता हफ्ता हफ्ता ओ बीता मेरे राम मेरे राम मेरे राम बीता बीता हफ्ता हफ्ता। प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम की, सन्यासी महाराज की, गुरुदेव।